सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोमित्रम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। शनिदेव हो गए अस्त, 34 दिन में इन पांच राशि वालों को मिलेगा बड़ा लाभ। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमित्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों सर्वोच्च ब्रह्मांड के न्यायाधीश शनि देवता अस्त हो चुके हैं और जब शनि देवता अस्त होते हैं तो पृथ्वी के ऊपर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता ही है। तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि पांच राशि वालों को बड़ी सौगात मिलने का एक संयोग बन रहा है, तो आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मित्रों हम आपको बता दें कि शनि देव की जो स्थिति 2017 में रही कुछ इस प्रकार की रही कि 26 जनवरी 2017 को शनि देव ने धनु राशि में प्रवेश किया। उसके बाद 6 अप्रैल 2017 को शनि देव वक्री स्थिति में हो गए। वक्री का अर्थ होता है पीछे की तरफ जाना और शनिदेव वक्री होते होते 20 जून 2017 को अति वक्री हो गए। और जब शनिदेव अति वक्री हो गए तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी राशि बदल ली, जो कि धनु राशि से अपनी पिछली राशि वृश्चिक राशि में चले गए। और वृश्चिक राशि में जब चले गए तो पूर्ण रूप से साढ़े साथी और अढ़ैया की राशियां भी सब बदल चुकी थी, अर्थात उस समय मेष और सिंह राशि को अढ़ैया शनि प्रारंभ हो गए थे और इसी प्रकार तुला वृश्चिक और धनु तीन राशियों को साढ़े साथी लग चुकी थी। लेकिन उसके बाद शनि 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 देव जो है 26 अगस्त 2017 को मार्गी स्थिति में आ गए थे। और जब शनिदेव मार्गी स्थिति में आ गए तब उन्होंने धीरे धीरे करके 26 अक्टूबर तक पूर्ण रूप से मार्गी हो गए और मार्गी होकर के अपनी सीधी चाल चलते चलते उन्होंने पुनः एक बार राशि बदल ली और राशि बदल करके वो वृश्चिक से पुनः धनु में चले गए। अब उनके धनु में जाने के कारण साढ़े साथी और अढ़ैया की भी स्थिति बदल चुकी है, जो कि इस प्रकार है। अब वर्तमान समय में यदि हम देखें तो तीन राशियों को साढ़े साथी चल रही है और दो राशियों को अढ़ैया चल रहा है। जिन तीन राशियों को साढ़े साथी चल रही है वो कुछ इस प्रकार है, क्योंकि धनु राशि में शनि का विचरण हो रहा है और धनु राशि में जब चलते हैं शनि तो एक राशि पिछली अर्थात वृश्चिक राशि को साढ़े साथी और एक राशि अगली अर्थात मकर राशि को साढ़े साथी। तो इस प्रकार वृश्चिक धनु और मकर तीन राशियों को साढ़े साथी चल रही है। और इसी प्रकार हम देखें तो अढ़ैया शनि, अढ़ैया शनि का मतलब होता है कि जिन राशियों से शनिदेव की राशि तक हम जाते हैं तो चौथी और आठवीं जो राशि होती है उसे अढ़ैया शनि कहा जाता है। तो ये अढ़ैया शनि की राशियां जो है वो दो राशि है, पहली है वृषभ राशि और दूसरी है कन्या राशि। तो वृषभ और कन्या राशि वालों को इस समय अढ़ैया शनि चल रहे हैं। तो धनु राशि में शनिदेव लगातार 23 जनवरी 2020 तक रहेंगे, लेकिन शनि की चाल जब बदलती है या शनि की जब स्थितियां परिवर्तित होती है तो ऐसे में जिनको साढ़े साथी और अढ़ैया शनि चल रहे हैं उनको इसका विशेष लाभ अवश्य ही मिलता है। साढ़े साथी शनि को और जिनको अढ़ैया चल रहा है उनको इस दौरान अर्थात शनि अस्त हो चुके हैं। शनि का अस्त होना जो है इन पांच राशि वालों को विशेष शुभ फलकारी रहेगा। तो शनि अस्त क्यों होते हैं यह भी आपको समझना जरूरी होगा कि शनि जब सूर्य के आसपास रहते हैं अर्थात सूर्य से 15 डिग्री के आसपास जब शनिदेव रहते हैं तो सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाते हैं, इसी कारण शनिदेव अस्त हो जाते हैं।
कोई भी ग्रह जब सूर्य देवता के आसपास रहेंगे तो सूर्य का तेज इतना खतरनाक होता है, इतना प्रभावशाली होता है, इतना पावरफुल होता है कि उनके तेज को सहन करना मामूली बात नहीं है। इसी कारण से जब शनि देवता सूर्य देवता, हालांकि सूर्य देवता शनि देवता के पिता होते हैं, लेकिन फिर भी जब उनके संसर्ग में आते हैं या उनके आसपास आते हैं तो ऐसी स्थिति में शनि देवता अस्त हो जाते हैं। और कोई भी ग्रह जब अस्त होते हैं तो उनका प्रभाव पूर्ण रूप से शून्य हो जाता है। अब हम देखते हैं कि शनि देवता जब अस्त हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में इन पांच राशि वालों को तो बड़ी सौगात दे सकते हैं। और शनि देवता जो अस्त रहेंगे वो लगातार 7 जनवरी 2018 तक शनि देवता अस्त रहेंगे, अर्थात 5 दिसंबर 2017 को शनि देव अस्त हुए हैं और 7 जनवरी 2018 तक शनि देवता अस्त रहेंगे। चूंकि शनि देवता जब अस्त रहेंगे तो उनकी शक्ति पूर्ण रूप से क्षीण हो चुकी है, अर्थात वो किसी भी प्रकार से अपना जो प्रभाव है, कुप्रभाव है, उसको उन्होंने छोड़ दिया है। और जब उन्होंने अपने कुप्रभाव को छोड़ दिया है, अपनी बुराइयों को सबको छोड़ दिया है, अर्थात वो पूर्ण रूप से प्रभावहीन हो चुके हैं, उनका प्रभाव शून्य हो चुका है। ऐसी स्थिति में 34 दिन के लिए इन राशि वालों को विशेष सौगात मिलने का एक अच्छा संयोग बना हुआ है। तो ये राशि हम आपको जो बता रहे हैं कि वृषभ और कन्या और इसी के साथ वृश्चिक, धनु और मकर, ये जो पांच राशियां हैं इनको बड़ी सौगात मिल सकती है, अर्थात कार्य क्षेत्र में यदि कोई रुकावटें आ रही है तो वो दूर हो सकेगी। और यदि इनको सामाजिक क्षेत्र में पद प्राप्ति में कोई रुकावटें पैदा हो रही है तो वो भी दूर हो सकेगी, क्योंकि राजनीति के कारक भी शनि माने जाते हैं। और जब राजनीतिक क्षेत्र में कहीं कोई बाधाएं उत्पन्न होती है, रुकावटें आती है, तो उसमें भी शनिदेव के माध्यम से कोई यदि इनको बाधाएं उत्पन्न हो रही है तो वो दूर हो सकेगी। और जिन लोगों की कुंडली में यदि शनि शत्रु क्षेत्री है या फिर नीच राशि के हैं तो उन लोगों को भी इस दौरान लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि देव की यदि गोचर स्थिति में परिवर्तन आता है तो निश्चित तौर से मानिए कि सभी राशियों के ऊपर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। और जिन राशियों के ऊपर शनि की कुदृष्टि चल रही थी उनको तो इसका विशेष लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अन्य लोगों को भी इसका लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। तो शनिदेव 34 दिन के लिए इन राशियों को विशेष सौगातें देंगे, इनके नए काम शुरू हो सकेंगे, इनको यदि बेरोजगारी का संयोग चल रहा है तो वो दूर होगा, और यदि इनके परिवार में कलह की स्थितियां उत्पन्न हो रही है, इनके परिवार में कोई विवादित स्थितियां चल रही है तो वो दूर हो सकेगी, और इनके जो भी काम है वो जो है होने लगेंगे, और इसके कारण इनके जीवन में एक प्रकार से नया जो है अध्याय लिखा जाएगा। तो ये तो बात हुई कि शनि के कुप्रभाव इस दौरान समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं जिनके माध्यम से भी आप शनि देवता को अस्त स्थिति में प्रसन्न कर सकते हैं। शनि देवता को यदि आपने प्रसन्न कर लिया है तो समझ लीजिएगा कि आपके सारे काम बन जाएंगे। अस्त स्थिति में आप ये उपाय यदि करते हैं तो निश्चित तौर से शनि देवता का प्रभाव आपके ऊपर अवश्य ही होगा, और प्रभाव आपका जो कुप्रभाव हो रहा था वो दूर हो सकेगा, और इससे शुभ फल की प्राप्ति अवश्य ही आपको होगी। तो आपको उपाय के रूप में करना है कि 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है और उसमें 1.25 किलो काले उड़द आपको रखना चाहिए, उसके अंदर एक नारियल आप रख दीजिएगा और उसके अंदर कुछ दक्षिणा रख दीजिएगा,
और शनिवार के दिन आपको इस पुटली को बांध करके ले जाना है, और यदि आपके आसपास में कहीं शनि देव का मंदिर है तो वहां चुपचाप बिना किसी को बताए हुए ये पुटली आपको रख करके और प्रणाम करके चले आना है। और यदि शनि देव का मंदिर नहीं है तो आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जा करके ये सामग्री चढ़ा दीजिएगा। और हनुमान जी का मंदिर भी आसपास नहीं है तो जहाँ पर काले रंग के शिव जी हो वहाँ पर भी ये वस्तु आप चढ़ा सकते हैं। बस वहाँ पर जा करके चढ़ा देना है और प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता, हमें शुभ फल आप अवश्य ही प्रदान करो। और शनि देवता से आप अपने मन की जो भी कामना है वो आप बोल देंगे तो इसके बाद आपके सारे काम अवश्य ही होने लगेंगे। तो मित्रों, हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।